भाजपा के खिलाफ देश भर में विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से इस पर पहल की जा रही है। शरद पवार इसमें सबसे आगे हैं। शरद पवार लगातार विपक्ष को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। भाजपा से गठबंधन तोड़कर अलग होने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब लगातार विपक्षी एकता को लेकर संकल्पित दिख रहे हैं। तभी तो उन्होंने पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे के दौरान विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। इन सबके बीच 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी एकता की ताकत दिखने वाली है। 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विपक्ष के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और डीएमके की ओर से एमके कानीमोझी समेत कई विपक्षी नेता शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने इस रैली में शामिल होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इन नेताओं में राष्ट्रीय जनता दल के नेता यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी और भाजपा के बीरेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और लोकसभा सदस्य हनुमान बेनीवाल भी इस रैली में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि अपने अपने राज्यों के दिग्गज नेताओं की एक मंच पर मौजूदगी से गैर भाजपा ताकतों की एकजुटता के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। INLD की ओर से इस रैली का आयोजन पूर्व उप प्रधानमंत्री और पार्टी के संस्थापक देवीलाल की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। इस रैली को 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का मंच बताया जा रहा है। बता दें कि फतेहाबाद में रैली की तैयारियां जोरों पर है। इनेलो ने रैली में 70,000 लोगों को जुटाने का दावा किया है। इसके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। फतेहाबाद में भीड़ जुटाकर ताकत दिखाने के लिए सघन जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन सिंह चौटाला भी इस काम में जुटे हुए हैं।